ईशो क्या खा रही हो बेटा? पास्ता। ये देखो सारे वजीस दाने खा रहे हैं तो ये और बिल्कुल राजा की तरह एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने इस टेम्पलेट्स को बनाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी शाम का टाइम है, मैं इस वक्त व्लॉग बनाने के लिए बैठा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे लास्ट व्लॉग में हम लोग गौरव भाई के शॉप से वापस से उन बजीज को लेकर आ गए थे, और दो पैर और एक्स्ट्रा लेकर आया था मैं। तो मैं आज आपको उनका अपडेट दिखाने वाला हूँ। मतलब अभी नहीं, इसी व्लॉग में आपको उसका क्लिप मिल जाएगा। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो जंबो बज्जी का पैर है वो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ, और बस उसको अभी अपने पास रखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। और उसका क्या रिजल्ट आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल तो मैंने उनको विंडो में रख दिया है, और वो नॉर्मल बज्जीज के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छा मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। और अभी मुझे लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मुझे अपना एक्शन फिगर पे भी काम करना है, क्योंकि उस चैनल पे भी मैंने अभी तक एक भी शॉर्ट नहीं डाला है, तो उसके लिए भी मुझे काम करना है। तो अभी मैं काम करने बैठा हूँ, लेकिन इसी बीच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी शाम की भूख मिटाने के लिए हम लोग खाने वाले हैं पास्ता। जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का और उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक ये है? शाम का टाइम है तो हम लोग खा रहे हैं पास्ता विथ नूडल्स। और इस बार भी खा रही है ईशो। क्या खा रही हो बेटा? पास्ता। पास्ता क्या खा रही हो? पाच्छा। ठीक है, तो इस बार भी पास्ता खा रही है और मैं भी खा रहा हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है और देखो सारे वजीस। तो अभी मैंने इन लोगों को पानी और दाना रख दिया है और सारे वजीस देखो दाने और पानी खा रहे हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। ये देखो सारे वजीस दाने खा रहे हैं और पानी भी यहाँ रख दिया है इनको। ठीक है, और जंबो भी मैंने इसी में डाल दिया है। अगर जंबो इसमें ओके रहेगा तो हम लोग इसी में रखेंगे, या फिर इसको घर के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। चलो इसको बंद कर देते हैं। और ये हो गया हमारे केज का काम पूरा। चूचू को छोड़ दिया अंदर? अच्छा लग रहा है? अभी अभी मैं टेरेस पे आया हूँ और थोड़ा गर्म पानी लेकर आया हूँ अपने कबूतरों के लिए। तो ठंडी का मौसम है, हमें अपने बर्ड्स को, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सभी जितने भी पेट्स हम पालते हैं उन सबको गर्म पानी देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो सर्दी में बीमारियाँ होती है उससे हमारे जो बर्ड्स और हमारे बाकी के पेट्स हैं वो महफूज हो जाते हैं। जैसे कि हम इन लोगों को भी गर्म पानी पिलाते हैं, ठीक है, और अपने कबूतरों को भी गर्म पानी पिलाते हैं। तो अभी मैं इनके लिए थोड़े गेहूं भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं इनको थोड़े गेहूं दे देता हूँ और ये लोग वेट कर रहे हैं बाहर आने का। अगर ये लोग दाने नहीं खाते हैं तो हम इनको बाहर निकाल देंगे ताकि ये थोड़ा घूम सकें। काफ़ी दिनों से ये बाजरा खा रहे हैं तो आज मैंने इनको गेहूं दिया है। तो थोड़ी देर बाद जब इनका खाकर हो जाएगा तो हम इनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन दोनों के बच्चे, जो कि अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और हमारे बकरे यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। एक्चुअली ये लोग खाने का वेट कर रहे हैं, अभी जैसे ही अज़ान होगी नमाज़ पढ़ के हम लोग आएंगे और इनको खाना दे देंगे। वहाँ पठान साहब इन आराम कर रहे हैं, ठीक है, और यूम यहाँ पर है
अजवा एज इट इज अंदर है, अभी वो खाने के टाइम पे बाहर आ जाएगी। और ये तो काफ़ी ज़्यादा उतावला रहता है, जैसे अजान होगी ये भागना यहाँ वहाँ शुरू कर देगा। इसको पता है अजान होने के बाद हम लोग इनको खाना देते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी इन लोगों ने अपने अपने बेबीज़ को फीड करवा दिया है और अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं बाहर आने का। और तो ये दोनों बाहर आ चुके हैं और मारिया भी बाहर आ गई है और मार्कोस भी बाहर आ गया है। तो अभी देखो सारे के सारे गए उस चूल्हे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर है राख और वो लोग उस राख में कुछ ना कुछ ढूंढ ढूंढ कर खाएंगे। तो अभी ये मुझे लग रहा है ये कोई बीटल का बच्चा है या शायद बड़ा बीटल है। ये अभी थोड़ी देर पहले उल्टा पड़ा हुआ था, मैंने आकर इसको सीधा किया है और है ये ज़िंदा है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का बीटल देखा है। तो अगर आप लोगों को पता है ये कौन सा बीटल है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। तो ये पूरा राजा की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो चेस्ट का कलर है वो इसकी मम्मी की तरह है। हम लोगों को देख के डर गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं इनको हाथ नहीं लगाता हूँ तो थोड़े घबरा रहे हैं। और ये हमारा मार्कोस का बेबी, मार्कोस और मारिया का। ये काफ़ी समझदार बच्चा है, ये इस टोकरी से बाहर ही नहीं आता है, अभी तक आया नहीं है। और ये तो डेफिनेटली मैं हर व्लॉग में बोल चुका हूँ कि ये मुझे लगता है कि 100% ये फीमेल ही है, ठीक है। तो देखेंगे बड़ा होने के बाद में क्या कौन क्या बनता है, लेकिन इसका तो साइज़ वगैरह देख के समझ में आता है कि ये मेल है, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारे राजा का बेबी, तो ये बिल्कुल राजा की तरह एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। और अभी तो मच्छरों ने इसके पैरों पे काफ़ी ज़्यादा काट रखा है, तो छोटे बेबीज जो होते हैं उनको मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इसके साथ भी यही हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये बाहर आने लग जाएगा, इसका जो मच्छरों ने जितना भी बाइट किया है इसके पैर पे और इसकी चोंच पर, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी बाहर की हवा दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसकी चोंच पर भी काफ़ी ज़्यादा बाइट कर लिया है मच्छरों ने और ये अभी थोड़ा घबरा रहा है, तो मैं इसको डराना नहीं चाहता हूँ। देखो इसके जो चेस्ट पे कलर है चॉकलेटी कलर, वो इसकी मम्मी से आया है, और इसकी टेल पर जो ग्रे एंड ब्लैक कलर है वो इसके डैडी से आया है। और ये है मार्कोस और मारिया की बेबी, और ये अभी तो डर रही है मुझसे, लेकिन मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ ताकि ये मुझसे डरे ना। तो दोस्तों ये फीमेल है और बहुत अच्छा बेबी है ये भी। इसको अभी तक मच्छरों ने बाइट नहीं किया है, सिर्फ चोंच के ऊपर यानी जो इसका नॉस्ट्रिल है उसके ऊपर एक मच्छर का बाइट दिख रहा है, जिसकी वजह से एक फोड़ी जैसा हो गया है, क्योंकि ये अभी तक इस टोकरी के अंदर ही बैठी रहती है और इस वजह से इसके पैरों को मच्छरों ने अभी तक बाइट नहीं किया है। लेकिन ये जो भाई साहब है हमारा राजा का बेबी, ये यहाँ पर पूरा इस तरफ घूमते रहता है, तो शायद मच्छरों ने इस जाली के नीचे से अटैक किया है उस पर, इसीलिए ये थोड़ा सा इसके पैरों पर ज़्यादा फोड़ी जैसा हो गया है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर डेस्क पर और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अपना एक्शन फिगर। तो फिलहाल तो हम एक्शन फिगर के लेग के मसल्स पर काम कर रहे हैं, यानी लेग्स मसल्स पर। तो उसका एक शॉर्ट सा अपडेट आपको दे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर है हमारे एक्शन फिगर का लेग, और इस पर मैंने काफ़ी पहले ये ड्राइंग बना दी थी मसल्स की, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने इस टेम्पलेट्स को बनाया है। तो ये है 7 टेम्पलेट्स जो कि एक्शन फिगर के लोअर लेग पर लगने वाली है। उसके बाद ये हिस्सा जो है इसका मस्कुलर हो जाएगा, और इसके अपर लेग्स के जो टेम्पलेट्स है वो भी बन चुके हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी इन्हीं पर काम कर रहा हूँ।
तो चलो मैं नजदीक से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये टेम्पलेट्स कैसे दिखते हैं नजदीक से। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल लोअर लेग मसल, ये ऊपर से कुछ कॉन्वेक्स शेप में होता है और अंदर की तरफ से ये कुछ कॉनकेव शेप में होता है। तो इसके इंटीरियर पार्ट पर यानी अंदर की तरफ हम लोग मतलब इसको टफ करने के लिए ब्राउन पेपर्स यानी कार्डबोर्ड के लेयर स्टिक करते हैं और इन्हीं कार्डबोर्ड लेयर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको इस तरीके से हम स्टिक कर देते हैं इन पार्ट्स पर। फ्रेंड्स, लेग्स मसल्स पर हमारा नया अपडेट जल्दी आने वाला है मेरे एक्शन फिगर के चैनल पर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और मेरे एक्शन फिगर के चैनल का नाम है इरफान क्रिएट्स, IRFANCREATES। तो जस्ट आप यूट्यूब पर टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। बहुत तेज हो रहा है। जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा उस चैनल पर तो मैं इस चैनल पर आपको एक नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और जिसने मेरे एक्शन फिगर वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाओ वहाँ पर और उसको सब्सक्राइब कर दो। तो उस चैनल का नाम है इरफान क्रिएट्स। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @इरफान क्रिएट्स। तो जल्दी जाओ फॉलो करो, ठीक है, और कनेक्ट रहो मेरे साथ ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।